में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इनकी थी, एक दिन भी पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं चल सकती थी बगैर पीपीपी के सपोर्ट के। सो इससे अपने आप को अलग करना, मैं तो कहता हूं जी बिलावल साहब समझते हैं कि वोटरों के माथे पे अहमक लिखा हुआ है, राम सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, ये पीडीएम में सारे इकट्ठे थे और ये दाग नहीं धो सकते, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बयानी से इन तकरीरों से ये दाग नहीं धोलेगा। दूसरा, तो सोलंकी साहब ने ऑफर किया था कि हम पीटीपी पे वो डिबेट करेंगे और बुलाएं पार्टीज के लीडर्स को, मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा, मैं बताऊंगा परफॉर्मेंस क्या थी हमारी और इनकी परफॉर्मेंस ये बताएंगे, फिर हम देख लेंगे, आप तो प्रोग्राम कर लेंगे वहां भी बताऊंगा। ब्रेक के बाद ये काकड़ साहब आपकी फरमाइश पे बने वजीर आजम, मैं काफी अरसे बात हो रही है तो मैं पूछ रहा हूँ जी, मैंने उनका नाम रिकमेंड किया था और वजीर आजम साहब ने इत्तफाक किया था। क्यों आपको क्यों लगा कि अच्छे निगरान वजीर आजम उठाया जा सकता है? राय साहब ये इंतकाम आपने किसके से लिया? आप एग्री करते बिलावल साहब के तरीके के हिसाब से बहुत इंतकाम लिया पीडीएम ने, डिफॉल्ट हो चुके होते तो ये डिफॉल्ट का खतरा इसलिए था कि मसला ये सर हर बंदा जब हुकूमत आती है ना आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है, डील नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट के करीब चले जाएंगे, डील कर लेंगे डिफॉल्ट बच जाता है। हम तो ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं कि हमने गड़े खोदे, तेल निकाला, उसको मार्केट में जाके बेचा, पैसे बनाए और मुल्क बचाया। देखिए बात यह है कि इट इज अ मिक्स, हर पार्टी में जवान भी होते हैं, बूढ़े भी। बिलावल साहब को नजर क्यों नहीं आ रहा? जवानों से बात करना चाह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैंने वो सिर्फ जवानों से बात करने का मसला नहीं, मैंने माय क्वेश्चन इज ही सेइंग बाबों को बात पैदा हुआ और इस जगह पे वो पहुंच गए, ये तो कोई बुगज का मुकाम नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं हमारा बुजुर्गों से मुतालबा है कि आप सियासत छोड़ दें। वलीद भाई मुझे भी नाम बता दें, मुझे पता तो चल जाए कौन मेरे मुकाबले में। आप सर कह रहे हैं सरप्राइज आएंगे, सरप्राइज मुस्लिम लीग इंशाल्लाह स्वीप कर रही है पूरे पंजाब में। बस सर कल ना करे तो स्वीप करना ही करना है, तो कैंडिडेट ही कोई नहीं, ना पीपल्स पार्टी का, ना जमात इस्लामी का, ना पीटीआई का। तो आप तो कह रहे हैं 10-15 सीटें मुश्किल से, वो भी आपने मेरे ख्याल एहतियात नहीं कह दिया, वरना अगर आप कहते 2-4 से ज्यादा बाहर नहीं जाएंगी हम तो वो भी मान लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वलीद इकबाल ने आज लाइव शो में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रही, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खूब वजारतों के मजे लूटे, मगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हर जगह जलसे में यही बात कहते हैं कि हमारा इस महंगाई लीग से कोई तलब नहीं। वलीद इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। वलीद इकबाल ने आज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा जलील किया, वो भी लाइव शो में, कि मज़ा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। कैसी तबीयत आया दसो पहले? अल्लाह का शुक्र जी ठीक ठाक। आप पहचानते हैं इनको? और सर वो पूछ रहे ने मेहमान, तुसी तानू हुण पहचान दे ने सारे के नहीं पहचान दे सर? हाँ जी बहुत पहचानते हैं, बहुत मेहरबानी है उनकी। ये वली साहब कह रहे थे कि पहचानते कि नहीं पहचानते, हम तो राज साहब को हमेशा पहचानते जी, हमारा तो इनके साथ ताल्लुक होता है, सियासतदान और मीडिया का तो चोली दामन का साथ है, साल आ साल से इनके साथ हमारा साथ है राज साहब के साथ। सर पोजीशन क्या हल्के में, वैसे मैं इससे पहले कि किसी और चीज पे जाऊं, की पोजीशन हल्के सर? और राज साहब है ना, राज साहब से मैं लेवरेज ले लेता हूं, लेवरेज ले लेता हूं तो राज साहब के साथ ताल्लुक की वजह से जी। राज साहब आप उनको इम्तिहान में ही डाल रहे हैं मुसलसल। मुस्लिम लीग इंशाल्लाह स्वीप कर रही है पूरे पंजाब में। बस कल तो स्वीप पे करना ही करना है, में तो कैंडिडेट ही कोई नहीं, ना पीपल्स पार्टी का, ना जमात इस्लामी का, ना पीटीआई का, तो ये तो अभी पहले कैंडिडेट लाएं फिर बैठ के कोई बात करें। सर वो अकेले भागेंगे तो स्वीप तो करेंगे, फर्स्ट आएंगे फर्स्ट। सर अब कैंडिडेट ना आए पीपल्स पार्टी का या जमात इस्लामी का या पीटीआई का तो हम क्या करें, हम अब कैंडिडेट इनकी जगह हमने तो नहीं देने ना। सर वो आपको क्यों क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे पीटीआई वाले कैंडिडेट अपना? सर इस तरह बात है कि जो पीटीआई के इलेक्टेड लोग थे वो तकरीबन सारे छोड़ गए हैं फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद की बात कर लेता हूं या पंजाब की बात कर लूं, एमपी और एमएनए के कैंडिडेट 99% पार्टी को छोड़ चुके हैं। मकबूल तरीन पार्टी कौन सी है इस वक्त हल्के में? मुस्लिम लीग नून फेयर भी है, मकबूल भी है और इंशाल्लाह स्वीप ही कर रही है। कितनी सीटें आपके ख्याल में ले रहे हैं पंजाब से? ये कोई 10-15 सीटें बाहर जाएंगी, बाकी सब ले रहे हैं। सर 10-15 क्यों जाने दे रहे हैं वैसे इन हालात में? तो ये आपकी नाकामी होगी अगर आप 10-15 भी बाहर जाने दें। नहीं कोई बात नहीं, बाकियों को भी कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाए, किसी जगह और जमातों को भी मौका मिल जाए, कोई और नहीं, लेकिन 15 से ऊपर नहीं। अच्छा चलिए ये बताएं इस्तेकाम पाकिस्तान को कितनी सीटें मिल रही? इस्तेकाम पाकिस्तान सूबे में उनके पास अच्छे कैंडिडेट हैं, पंजाब के सूबे में वो मुकाबला करेंगे, लेकिन क्योंकि पार्टी के साथ जाती वोट जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है, उनके पास एमएनए के उम्मीदवार नहीं है, वो भी एमएनए ना होना भी एक मसला बन जाता है, तो इस वजह से उनके बास जगह उम्मीदवार जाती वोट वाले जरूर हैं, इसको मैं तस्लीम करता हूं, पार्टी का वोट नहीं है जाती वोट है, लेकिन जब एमएनए का कैंडिडेट नहीं होगा तो सूबाई उम्मीदवार जो है वो भी उससे मुतासर होगा। सीटें 2-4 ले लेंगे नेशनल की? 2-3 ले लें तो कोई हर्ज नहीं, मेरा ख्याल इतनी ले लेंगे। बहुत हो गया। और सूबे में हुकूमत बनाएगी इससे काम पाकिस्तान आपके ख्याल में? नहीं सूबे में तो मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है, वो किस तरह हुकूमत बना? मैं पूछ रहा हूं सर, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग तो कहते फिर रहे ना गरीम खान साहब वजीर आला होंगे, मैं इसलिए पूछ रहा था, खबर तो आप तक भी पहुंची होगी। नहीं मैं नहीं समझता सूबे में मुस्लिम लीग नून, मैं पंजाब में सियासत करता हूं, पंजाब की सियासत
जहां तक है मेरे जिले की सियासत है, मेरे डिवीजन की है पंजाब की, वहां पे मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। वो मुस्लिम आप तो कह रहे हैं 10-15 सीटें मुश्किल से, वो भी आपने मेरे ख्याल एहतियात नहीं कह दिया, वरना अगर आप कहते 2-4 से ज्यादा बाहर नहीं जाएंगी हम तो वो भी मान लेते, तो वो तो फिर डिवीजन छोड़े भी तो आप सुबह की बातें हैं जो जी मैं कहा तुमको 2-4 सीटें भी कह देते तो वो भी मान लेना सी सर। मेरी और सुन ले, सिग्नल ऐसे ही फंसेंगे 8 फरवरी को भी, मेरी बारी ही आएगी और हमारी ही बारी आएगी। वो तो कह रहे हैं आपका उम्मीदवार ही कोई नहीं, आप सवाल पूछ लें जी। मैं पूछ रहा हूँ आपके उम्मीदवार हैं हर हल्के में? ये राजा साहब जहां से खड़ा होना चाहते हैं कम से कम 3 का तो मुझे पता है जी, जो मैं जाती तौर पे जानता हूँ। कौन कौन है? और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो पार्टी उसको डिसाइड टिकट किसको देती है उसके बाद वो टिकट जब इसको देती है, लेकिन मुझे उन्होंने अप्रोच किया जस्ट आई डोंट नो बिकॉज उनको समझ जैसे लगा कि मैं वो सेनेट में हूँ शायद मेरा कोई उस पर रसूख है टिकट्स के अवार्ड में, तो मैंने उनको गाइड कर दिया कि जी ये आप इस तरह से अप्रोच करें, लेकिन 2 या 3 अफराद में कशमकश उस हलके में भी चल रही है जो राजा साहब लड़ना चाहते हैं। ये मैं आपको ये सिर्फ राजा साहब अकेले नहीं भागेंगे, राजा साहब ये अकेले नहीं भागेंगे जी, बिल्कुल नहीं भागेंगे अकेले जी। और जो आपने बात इतना आपने वलीद भाई मुझे भी नाम बता दें, मुझे पता तो चल जाए कौन मेरे आपको पता चलेगा जिस दिन आप सर कह रहे सरप्राइज देंगे सरप्राइज। 2 से 3 कैंडिडेट तो कम से कम है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हेल्प करें उनको, मैंने कहा जी आप फलां जगह रुजू करें वहां पे फैसले हो रहे हैं जो भी सिस्टम बना हुआ है। बहरहाल जी मैं खासतौर पर आपने शुरू में बिलावल साहब की जो तकरीर दिखाई मैं उसके हवाले से जरूर बात करना चाहता हूं, क्योंकि शुरू में खाल वहां से नहीं की बात इंतकाम से मैं हाँ जो उन्होंने अल्फाज जो भी इस्तेमाल किए हैं जो भी वो अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना बयानियां बिल्ड करने की, मैं आपको अपनी राय दे देता हूं उस पर, मेरे पे बिल्कुल रोजे रोशन की तरह वाजे है वो 2 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ना सिर्फ मैं उन दोनों चीजों को रिजेक्ट और मुस्तरद करता हूं, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल गलत फहमी में है और पाकिस्तान के लोग और वोटर्स भी जो हैं वो भी उनको मुस्तरद करेंगे। क्या 2 चीजें करना चाह रहे हैं? एक कि वो अपने आप को किसी तरीके से पीडीएम के गवर्नमेंट से अलग करना चाह रहे हैं, उसमें वो इंतकाम का लफ्ज करें कि जी हमारी मिनिस्ट्री फलानी परफॉर्मेंस वो बहुत पहले से कह रहे हैं वो नहीं परफॉर्मेंस बात सुनिए जी, पीडीएम में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इनकी थी, एक दिन भी पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं चल सकती थी बगैर पीपीपी के सपोर्ट के। सो उससे अपने आप को अलग करना मैं तो कहता हूं जी बिलावल साहब समझते हैं कि वोटरों के माथे पे अहमक लिखा हुआ है, आई मीन ही इज मेकिंग अ फूल ऑफ हिज ओन सेल्फ, मैं रिस्पेक्टफुली आई से दिस। देखें जी मैं साहब ये कह रहे डीलिंग नहीं हो सकता, मैं कहता हूं पीडीएम में मैं ये जुमला बोल लूं, राम सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, ये पीडीएम में सारे इकट्ठे थे और ये दाग नहीं धो सकते, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बयानिए से इन तकरीरों से ये दाग नहीं धोलेगा। दूसरा वैसे अगर परफॉर्मेंस निकाला है तो परफॉर्मेंस लेकर जाएगा कौन मार्केट में? परफॉर्मेंस लेकर तो आप भी मार्केट में नहीं जा रहे ना, नहीं वो आप एक प्रोग्राम करें मैं बताऊंगा आपको बैठ के, बुलाएं इनको बल्कि डिबेट कराएं, मुझे तो सोलंकी साहब ने ऑफर किया था कि हम पीटीपी पे वो डिबेट करेंगे और बुलाएं पार्टीज के लीडर्स को, मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा, मैं बताऊंगा परफॉर्मेंस क्या थी हमारी और इनकी परफॉर्मेंस ये बताएंगे, फिर हम देख लेंगे आप तो प्रोग्राम कर ले मैं वहां भी बताऊंगा। ब्रेक के बाद दूसरा वो इस बात का उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 12.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उसमें 44% ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 18 और 35 साल के दरमियान हैं और वो कोशिश कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने की। मैं एक यंग आदमी हूं महज इस पे और वही इसी तरह इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो आपने कहा ये बाबों को वोट ना दो या ये जो घर बैठे या मदरसे में बैठे और ये यंग लोगों के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये यंग लोगों के हीरो हैं, एज के बारे में भी लोगों का व्यू जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। और मैं पीपीपी चेयरमैन को दावत देता हूं बल्कि चैलेंज करता हूं और अगर को मौका मिले तो पीटीआई के चेयरमैन के साथ 100 मीटर की स्प्रिंट निकाल के दिखा दें कौन ज्यादा फिट है, डंड निकाल के दिखा दें, पुशअप्स निकाल के दिखा दें, कौन ट्रेडमिल करके दिखा दें, सियासी लड़ाई डंड निकालने भी आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा हूं मैं अर्ज कर रहा हूं कि नौजवानों के हीरो बनने से इन तकरीरों से वो नहीं बन सकेंगे, ये जिस बाबे अल्लाह गरीके रहमत करें इनके ग्रैंडफादर को जिस बाबे की कब्र पे ये वोट मांगते आ रहे हैं और जो अपने बाबे वाले दिन के जो हैं पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा अपना बड़ा काम करेगा, नोट्स तो कंपेयर कर रहे हैं वो कह रहे हैं अब्बा जान पापा कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक इलेक्शन कराएगी, ये कह रहे हैं गलत करा रही है, नोट्स तो कंपेयर करने पहले ये बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है पीपल्स पार्टी में जो नोट कंपेयर करने की बात हो रही है। जरदारी साहब कहते हैं मुझे एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, बिलावल साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही। देखिए पहली बात जिसने इनकी जुल्फार अली भुट्टो के बारे में कह रहे हैं वो उस उम्र के उस हिस्से में नहीं थे, वो जवानी में जो है वो उन्होंने अपनी जान दी। देखिए बात ये है कि इट इज अ मिक्स, हर पार्टी में जवान भी होते हैं बूढ़े तो भी होते साहब नजर क्यों नहीं आ रहा है? जवानों से बात करना चाह रहे हैं तो इसमें आप बुराई क्या है? मुझे मैंने बुराई बता जवानों से बात करने का मसला नहीं, मैंने माय क्वेश्चन इज ही सेइंग बाबों को बात पैदा हुआ और इस जगह पे वो पहुंच गए, ये तो कोई बुगज का मुकाम नहीं है। नहीं वो कह रहे हैं हमारा बुजुर्गों से मुतालबा है कि आप सियासत छोड़ दें, उठाया जा सकता। राय साहब ये इंतकाम आपने किस किस से लिया? आप भी एग्री करते हैं बिलावल साहब के तरीके इंसाफ से बहुत इंतकाम लिया पीडीएम ने? तरीके इंसाफ का नाम बिलावल साहब एक ही से बिलावल साहब और आसिफ आसिफ जरदारी साहब के कई बयान जब पीडीएम की हुकूमत थी ये आए थे कि आज हुकूमत में कोई सियासी इंतकाम नहीं है, कोई सियासी कैदी नहीं है और पीडीएम की सब जमातों के लीडर ये बयान दे रहे थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं सब कह रहे थे कि हम कोई इंतकामी सियासत नहीं कर रहे, हम तो मुल्क को मुश्किल से निकाल रहे हैं, हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। आप माजी में सारा ये देख लें यही सब का बयानियां था
पीडीएम की हुकूमत। लेकिन नाकामी का जो नाकामी की जो बात कर रहे हैं, पीडीएम नाकाम हुई थी, बिलावल साहब तो बड़े खुल के कह रहे हैं हमारा ख्याल था ये कुछ और करने आए हैं, ये तो ठीक कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं समझता बासी साहब, पीडीएम ने जो एक बड़ा कारनामा किया है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है, तरीके इंसाफ और इमरान खान बिल्कुल डिफॉल्ट होने के धाने पे ले गए थे मुल्क को, और आज मुल्क के वो हालात होने थे जो श्रीलंका के हैं, तो अल्लाह ने हमें बचा लिया, और उसका क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। अगर चाहे महंगाई आई, बेरोजगारी हुई, मुश्किलात आई, लेकिन इसके बावजूद अगर हम डिफॉल्ट हो चुके होते तो ये डिफॉल्ट का खतरा इसलिए था कि मसला ये सर हर बंदा जब हुकूमत आती है ना आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है, डील नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट के करीब चले जाएंगे, डील कर लेंगे डिफॉल्ट बच जाते हैं। हम तो ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं हमने गड़े खोदे, तेल निकाला, उसको मार्केट में जाके बेचा, पैसे बनाए और मुल्क बचाया, सीधा जो ही आप आईएमएफ के पास गए डिफॉल्ट का खतरा टल गया। ये बताए राज साहब एक और चीज, इलेक्शन फरवरी में ही है ना आपके ख्याल में, क्योंकि डेटे आप पहले दे रहे थे बड़ी ठीक डेटे दी आपने इलेक्शन फरवरी में। और ये बताए सर ये काकड़ साहब आपकी फरमाइश में बने वजीर आजम, मैं काफी अरसे बाद बात हो रही है तो मैं पूछ रहा हूँ को। जी मैंने उनका नाम रिकमेंड किया था और वजीर आजम साहब ने इत्तफाक किया था। तो क्यों आपको क्यों लगा कि अच्छे निगरान वजीर आजम होंगे, वो पूछे कभी आप मिले थे उनसे? जी मैं मिला था, मेरे चैम्बर में 3-4 दफा आए थे इंटरव्यू देने, और इसके साथ साथ जो नहीं इंटरव्यू देने नहीं वैसे मेहरबानी करते थे, शफकत करते थे, आ जाते थे। जो 190 मिलियन पाउंड की अदायगी से मुतालिक बैरिया टाउन का बयान है, बिकॉज आप वकील भी हैं, जी, जी, जी। और उनका कहना कि ये बराह रास्त बैरिया टाउन और मुबशरा अली मलिक ने ये इंस्ट्रक्शंस पास की, वो डॉक्यूमेंट साथ लगे हुए हैं, केस वेयर डज इट स्टैंड? एक्चुअली जी मैं एज लॉयर इस पर तबसरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस केस में खुद वकील नहीं हूं और मैंने इसकी फाइल स्टडी नहीं की हुई, और अभी जो दस्तावेजात आई हैं इनकी तो मैंने झलक ही देखी है, लेकिन मैं इसमें एक बात जो है वो जरूर वाजे करना चाहता हूं एज ए वकील, एक अमूमी बात कि अगर इससे रिलेटेड बात करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगा है चेयरमैन इमरान खान पे और दीगर पर भी, क्योंकि आज 29 लोगों के नाम डालने की बात हुई है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इस केस के हवाले से, अगर उन पे इल्जाम लगा है तो करप्ट प्रैक्टिसेस होती क्या है, बल्कि वो नहीं ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में उसकी डेफिनेशन जो है उस पर इतफाक है। मिसाल के तौर पर टेररिस्ट कौन है, टेररिस्ट टेररिज्म क्या होता है, उस पर इतफाक नहीं है दुनिया भर में, इस पर इतफाक है करप्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप अपने सरकारी ओहदे को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करें अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। मेरा हमेशा सवाल इस केस के हवाले से यह रहा है कि चेयरमैन इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल बेनिफिट इसमें क्या हुआ है, अगर कोई ये इसमें फंड्स कहीं से आए भी हैं और कहीं गए भी हैं और तो वो एक यूनिवर्सिटी और एक ट्रस्ट में गए हैं, ट्रस्ट में गए हैं, इन दस्तावेजात में तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इनको स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है और मेरे ख्याल में ये सवाल दीगर भी उठा रहे हैं कि ये कहां जुड़ती है ये बात जाके कि कोई किसी क्राइम की प्रोसीड्स या करप्ट प्रैक्टिसेस के नतीजे में आने वाली कोई रकम या कोई जो डॉलर इसके बारे में कहा जा रहा था ना क्विड प्रो को, बहरहाल जी वो प्रोसिक्यूशन स्क्रैच माय बैक ये इल्जाम इस केस में ये इल्जाम, बट मैं कहता हूं निकलता उधर ही है कि जी किसी की पर्सनल एनरिचमेंट हुई है या नहीं हुई जो कि सरकारी ओहदे पे फाइल था, लेकिन अब इसके बाद में लगता है असल बात यही है और इससे मजीद फिर प्रोसिक्यूशन ही साबित करेगी ना कि किसने अपने आप को एनरिच किया है बदउनवानी और बेईमानी से, किया भी है कि नहीं किया, किसी की जात को फायदा हुआ है या किसी इदारे को फायदा। आप जब ये कागज पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पढ़ लेंगे जी कि अब ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, दिस वाज अ डील बिटवीन एनसीए एंड पैरिया, जो पहले कहा जाता था ना कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के जरिए, तो ये कैबिनेट का फैसला और सारे कैबिनेट के लोग वो सीक्रेसी थी तो वो था, वो क्या क्या कर रखा था उसका दैट आर्गुमेंट वाज कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। ये बताएं सीटें कितनी लेने, क्विक जवाब दे मैं ताकि मैं जानना चाहता हूं मरकज में, मैं अपना क्रिस्टल बॉल ढूंढूंगी, निकाल लेना यार, राजा साहब ने निकाल लिया, राणा साहब निकाल लेते हैं, मियां साहब निकाल लेते हैं, आप क्रिस्टल बॉल निकाले, मैं बीबी से भी पूछना चाहता हूं पंजाब में कितनी सीटें, हाउ मेनी सीट्स डू आर यू एक्सपेक्टिंग? पहला एक प्रेडिकेट उसका यह है कि फेयर फ्री इंक्लूसिव एंड लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल सिंगुलरली विन अ मेजॉरिटी, किसी कोलिशन पार्टनर की जरूरत नहीं है। ने देखा कि जब काशिफ अब्बासी ने वलीद इकबाल से पूछा कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में आपकी पोजीशन क्या है, इस पर वलीद इकबाल ने कहा कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। नाजरीन हकीकत भी यही है क्योंकि इस टाइम सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और इमरान खान को ही नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।